अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि नाउन नेम प्लेस और थिंग होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहला केस है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसके लिए डिनोट किया जाता है? जनरली स्पेसिफिक नेम के लिए, जैसे कोई खास नाम हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी भी चीज का खास नाम रखते हैं और ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, विजिबल होगा, यानी कि नेम प्लेस थिंग स्पेसिफिक नेम। जैसे कि अगर बात करूं न्यू दिल्ली नाम है वो किसमें आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। मैं बात करूं कैमल वो किसमें आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। मैं बात करूं किसी बॉय का नाम जैसे कि राज सिमरन, ठीक है, तो ये सभी किसमें आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं, ये प्रॉपर नाउन हमेशा इनिशियल लेटर में होंगे, अपर केस। जैसे कि अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं नाम लेता हूँ इंडिया का, इंडिया में आए कैपिटल, ठीक है। अगर मैं नाम ले रहा हूँ किसी चीज का, एग्जाम्पल के तौर पर ट्री का, ट्री इज ऑल्सो ए नाउन, ठीक है। अगर मैं नाम लेता हूँ किसका, एग्जाम्पल के तौर पर मैं नाम लेता हूँ नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका भी नाम एन कैपिटल होगा, बिकॉज वो क्या है, स्पेसिफिक नेम है, ओके, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है। दूसरी चीज है कि किसी भी पर्सन के नाउन से पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना प्रॉपर नाउन में। आपको दिख रहा है, नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, ए एन द नहीं लगाना, अ नरेंद्र मोदी नहीं लगाना, ठीक है। अब आता है कॉमन नाउन की बारी। कॉमन नाउन क्या होता है, वो नेम जो जनरली हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास को या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा बॉय, बॉय ढेर सारे लड़के हो सकते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कॉमन नाउन। मैंने कहा गर्ल, ढेर सारी लड़कियां हो सकती है, मैंने कहा डॉग, ढेर सारे हो सकते हैं, उनको हम क्या कहलाएंगे, कॉमन नाउन में। ये जो होते हैं इनका जो जनरली नेम होता है वो लोअर केस में आता है, बिकॉज ये कॉमनली यूज करे जा रहे हैं और आर्टिकल इनके आगे हम यूज कर सकते हैं। तो जिनके आगे भी आर्टिकल, जिनसे पहले हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉमन नाउन। जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन कौन से होते हैं, जो भी मैटर या सब्सटेंस से बनते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, जो भी ये मैटर होते हैं सारे के सारे, इनको हम क्या बोलेंगे, मेटेरियल नाउन। और मेटेरियल नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं लगाएंगे। जैसे कि अगर हम किसी नाम की बात कर रहे थे, वो यहाँ पर भी क्लास है, गोल्ड हम पर्टिकुलर नेम कंपनी का नेम रख लेते हैं गोल्ड। जैसे कि अगर बात करी गोल्ड्स जिम, अब गोल्ड्स जिम मेटेरियल वाला गोल्ड नहीं है, वो एक नेम है, तो उसके आगे हम आर्टिकल लगा सकते हैं, द गोल्ड्स, अ गोल्ड्स लगा सकते हैं। बट हम क्या काम करेंगे, अगर हमने मैटर का नाम लिया है तो उसके आगे आर्टिकल यूज नहीं होगा, ओके। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन की बारी। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को दिखाते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूं, यहां पर देखो क्लास, स्टूडेंट के अंदर क्लास, स्टूडेंट क्लास के अंदर होते हैं तो ढेर सारे स्टूडेंट को क्या दिखा रहे हैं, क्लास डिनोट कर रही है। अगर फैमिली की बात करूं तो फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उस पूरी पर्टिकुलर मेंबर्स को मिला के एक फैमिली बन रही है, तो फैमिली क्या है, ग्रुप को दिखा रही है। आर्मी, पुलिस, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, हमारा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद देखते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन काफी ज्यादा यूनिक है और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाता है, फेल्ट ओनली। इसको याद करने का तरीका क्या है, एफ ए क्यू यू एस, फैक्ट्स, एफ फॉर फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, जो इन चीजों को दिखाएंगे जो हम सिर्फ विजिबल नहीं कर सकते, ये सिर्फ फीलिंग, ये फील करे जा सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को आप देख नहीं सकते बट महसूस तो कर सकते हैं ना कि ये सामने वाला पर्सन ऑनेस्ट है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सेंटेंस लिखूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ओके। चलो अगर मैं बात करता हूं लव की, True love never dies. True what never dies? True love never dies. Childhood की बात करूं, friendship की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये सारे abstract noun की category में आएंगे और इनके आगे भी हम abstract noun use करेंगे। ये भी noun की category नहीं है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि क्या ये भी noun होते हैं, तो ये भी noun होते हैं। चलो आगे देखते हैं हम।